हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त। आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी फाइल को, फोटो को, जैसे कि हम किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसमें कम MB का हमें चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास 2 MB का फोटो है, हमें उसे कन्वर्ट करना है 22 KB में, 20 KB में वो मांग रहे हैं वहाँ पे, या सिग्नेचर का जो साइज है वो 20 या 22 KB होना चाहिए, ठीक है, या किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल का। तो उस तरीके से हम आज आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम सबसे पहले एक QR रेड्यूस लाइट है जो ऐप से, उसको हम करते हैं और चूज फोटो, आप अपनी कौन सी फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। रिसेंट में आते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इसका साइज है ऑलरेडी जो आपको दिख रहा है, इसका साइज है 201.29 KB, ठीक है। इसका मतलब कितना, 0.20 MB का ये, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये साइज लिखा होता है, अगर आप MB में कन्वर्ट करना चाहते हो तो MB में हो जाएगा, अब हम KB में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीछे करते हैं स्टार्ट, देखिए ये हो चुका। हम दूसरा फोटो ले लेते हैं, अगर इसमें उसको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक स्क्रीनशॉट लिया था, शायद इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी मैं एक फ़ोटो है तो उसका हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 50 KB का, तो हम इसको 22 या 20 KB में कन्वर्ट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो चुका है कॉम्प्रोमाइज्ड फाइल साइज, ठीक है। तो ये हो चुका है, देखिए इतने का आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। शेयर के ऑप्शन से यहाँ से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने उसमें जाके किसी एक प्रोजेक्ट में, मान लीजिए हम रिसेंट यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके ये आ चुका है, देख लीजिए 20 KB का। और दोबारा से हम आपको डिटेल में दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 20 KB का आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी फोटो का साइज कम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये PDF फाइल तो नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम चलते हैं पीछे थोड़ा, उसी के अंदर आते हैं, चूज एडवांस में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक ये डॉक्यूमेंट्स है, तो इसको हम चूज करते हैं, ये हमने स्टार्ट किया और इसको KB में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट्स जो कि 0.02 MB का है, ये इसका साइज हमने कम कर दिया। इस तरीके से आप इसका साइज कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका सिग्नेचर है तो सिग्नेचर का भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, यहाँ से आप चूज फोटो और जहाँ पे आपकी फाइल रखी है वहाँ पे आप जाके उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट्स था, अगर मान लीजिए और कोई हमारे पास फोटो है, ठीक है, तो हम उसका भी, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे एक, यहाँ से आप ये जो मोबाइल का फोटो कवर उसका भी साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने चूज कर लिया है जैसे अंदर से फाइल से, और यहाँ पे आप 20 KB में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो KB में कर सकते हैं, अगर मान ले कोई MB में करना चाहते हैं तो MB का भी ऑप्शन होता है। बैक करें, स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा इंतज़ार करें क्योंकि ये ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप डाटा के बिना करें। डाटा इसको चालू करें, ये देखिए कन्वर्ट हो चुका है, शेयर के ऑप्शन पर ओके करें और यहाँ पे कॉपी टू फाइल, यहाँ पे ओके करें, ठीक है। मैंने फाइल में पासवर्ड लगा रखा है, इसको हटाते हैं आगे और एक इस ऑप्शन में जाके हम
पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया है, और अदरवाइज़ फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, मान लीजिए कोई फाइल और है हमारे पास, हम यहाँ पर जाते हैं और डाउनलोड ब्राउज़र में जाते हैं, और हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट्स है, इसकी जो है 600 है, मतलब KB का है ये, तो हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं 80 में, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हो, स्टार्ट किया कितने का करना चाहते हो। नेट फास्ट होना चाहिए, देखिए हो चुका है ये भी, ओके। तो यहाँ से आप वही सेम प्रोसेस है, यहाँ से शेयर पे जाएं, कॉपी टू फाइल, यहाँ पे ओके करें, कोई भी एक फोल्डर चूज़ कर लें और पेस्ट कर दें, ठीक है। रिटर्न पे जाते हैं, बैक जाके ये आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ऐप्स का, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि कोई समझ ही नहीं आए, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी तो शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त।